जब भी कोई नया कलाम तलाश करके उसकी सेटिंग करता था तो मुफ्ती साहब को सुनाता था पहले फोन पर। अभी हमारे भाई मीर हमजा साहब लाहौर से तशरीफ लाए, वो कहते हैं कि एक दफ़ा मुफ्ती साहब हमारे पास आए और आप उनसे फ़ोन पे बात करते हुए उनको कोई नाच सुना रहे थे, तो वो इसी तरह सुनाया करता था उनको। उसमें कोई मज़मून की अगर गलती है, कोई कमज़ोर बात है, तो मैं ज़रा वो शेर छोड़ दूँ या फिर वो नाक को ही छोड़ दूँ। वो इस हवाले से मुफ्ती साहब भी मेरी रहनुमाई करते थे। और फिर जब कोई इस तरह का शेर आता था, और एक उनकी खासियत थी, उनके भाई अरशद साहब यहाँ बैठे हैं वो भी और मुफ्ती साहब भी, दोनों के अंदर ये मुश्तरका बात है कि इधर मैं नाच शुरू करता, इधर उनकी आंखों से आंसू शुरू हो जाते। ये कोई ऐसी बात मैं नहीं कर रहा था जिसको आपने ना देखा हो, आपकी आंखों देखी बातें ऐसा है।
इस शेर पे वो जो मैं अब पढ़ने लगा हूँ ये उनकी मिजाज से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि तहरीकी शेर है और तहरीकी किस हवाले से है कि पाकिस्तान का ऐसा शहर जिसके अंदर एक ऐसी शख्सियत आराम फरमा है कि जिसने पूरे बरसग़ीर के अंदर एक ऐसी तहरीक बरपा की, इस्लाह की, रुश्द की, हिदायत की, कि सहाबा इकराम का दौर निकाल कर उसके बाद ना उससे पहले कोई ऐसी तहरीक बरपा कर सका ना उसके बाद। और उन्होंने एक लंबा चक्कर काट के पूरे हिंदुस्तान से हुज्जाज को इकट्ठा करके हज भी किया, हाजियों के लिए रास्ते को महफूज बनाया, फिर एक लंबा चक्कर काट के उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर से मुजाहिदीन इकट्ठे किए। पेशावर और उसके गिरद व नवा में 5.5 साल तक रंजीत सिंह के साथ टक्कर लेते रहे और फैसला कौन ये हुआ कि बालाकोट के अंदर जाके। अब लोग ये कहते हैं, कहने वाले, कि ये तहरीक नाकाम हो गई। और भाई आप कौन है ये फैसला करने वाले कि कामयाब कौन है और नाकाम कौन है? अगर अल्लाह ताला ये फरमा दे कि हमें उनका यूं ही कट मरना पसंद था तो ये कामयाबी और नाकामी का फैसला करने वाले के पल्ले क्या बाकी रहेगा? और नाम था उस शख्सियत का सैयद अहमद शहीद, जो बालाकोट में आराम फरमा है। मैं उनकी कब्र पे हाजिर हुआ तो वहाँ एक शेर लिखा हुआ था, दिल पकड़ के बैठ गया। लिखा हुआ था कि नूरियों से सजदा मांगे खाकियों से नकद जान, नूरियों से सजदा मांगे खाकियों से नकद जान, वो सबूत बंदगी है ये दलील आशिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सैयद अहमद शहीद थे। और आपको हैरत का झटका लगेगा ये बात सुनकर, इतनी बड़ी तहरीक बर्पा करने वाला आदमी जब दुनिया से जाता है उसका धड़ कहीं दफन है, उसका सर कहीं दफन है। सिर्फ 40 साल की उम्र, 40 साल की उम्र में सब कुछ हो गया। अब ये बातें मुफ्ती साहब होते तो आप देखते उनको कि वो कैसे तड़पते हैं, लेकिन मैं पहला मिसरा पढ़ता हूँ और मैं तवक्को रख के पढ़ रहा हूँ कि यहाँ जितने भी लोग इस मिजाज के बैठे हैं वो पहले मिसरे पे ही उनके चेहरे का रंग बदलेगा कि क्या कहा है मुंगी नानी ने। सुनिएगा, सुनिए। जवाब शिकवा जिस जगह पे जाके वो इख्तिताम करते हैं वहां एक शेर लिखा आखिर में। वो शेर क्या है, शिकवा जवाब शिकवा का आखिरी शेर क्या है वो मैं बताऊंगा नहीं, अभी इबहाम है। अमीन गिलानी का शेर पढ़ता हूं और उसके बाद धीमे से लहजे में इकबाल का भी पढ़ूंगा, लेकिन अगर तेरे हैं का लफ्ज आपके हलक तक पहुंच जाए तो जुबान तक जरूर लाइएगा और मेरे साथ मिलकर कहिएगा कि तेरे। सुनिएगा शेर, हक ताला यही